हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और दोस्तों आज की जो यह वीडियो है यह एक अपडेट वीडियो है। जी हां, आज मैं आपको यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक अपडेट न्यूज आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो होमगार्ड की भर्ती हुई थी, होमगार्ड के जो फॉर्म्स निकले थे उसके अब फिजिकल शारीरिक नापजोक के आपकी डेट शीट आ चुकी है। आज मैं आपको केवल नैनीताल और चंपावत जिले के जो डेट शीट आई है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज का जो अपडेट है वो यूटेट 1 और यूटेट 2 2019 से है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु सूचना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई 2019 तक अपना यूटीटी परीक्षा हेतु अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट कर दिया था को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने परीक्षा आवेदन पत्र में चयनित भाषा, चाहे प्रथम भाषा हो चाहे द्वितीय भाषा हो, या विषय वर्ग मैथमेटिक्स साइंस और सोशल स्टडीज, केवल यूटीटी द्वितीय के लिए एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु वांछित प्रथम शहर में कोई परिवर्तन संशोधन करना चाहते हैं तो वे दिनांक 19 अगस्त 2019 यानी आज से लेकर 24 अगस्त 2019 तक अपने आवेदन पत्र में ऑनलाइन परिवर्तन संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जिसको अगर संशोधन करना है तो उन्हें परिषद की वेबसाइट ubsconline.uk.gov.in में जाकर आवेदन के समय उपलब्ध कराई गई अपनी लॉगिन आईडी से उक्त परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। उक्त 3 के अलावा किसी भी प्रकार का संशोधन आवेदन पत्र में नहीं किया जा सकेगा। कौन कौन सी, पहली तो भाषा, जिसमें आप प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा को चूज कर सकते हैं। दूसरा आपका विषय जो मैथमेटिक्स साइंस हो सकता है या सोशल स्टडीज हो सकता है, केवल किसके लिए, यूटीटी सेकंड पेपर के लिए, और अपना जो परीक्षा का केंद्र या परीक्षा का शहर है। इसके अतिरिक्त कहीं भी आपका आवेदन पत्र में संशोधन नहीं हुआ गया। उक्त अवसर अंतिम बार प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में उक्त के संशोधन के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह जो विज्ञप्ति है यह सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने जो होमगार्ड की भर्ती है उसके अपडेट के लिए। दोस्तों, अब हमारा जो होमगार्ड की आपकी भर्ती होने वाली है उसमें जो है ये 18 अगस्त 2019 की आपकी सूचना है। इसमें जो अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, मैं आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा हूँ, उसमें क्या है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक कंपनी हल्द्वानी, ग्रामीण कंपनी हल्द्वानी, इसके नाम से शारीरिक नापजोक और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शहरी जो नंबर है 1-2 हल्द्वानी, ये 25 अगस्त को होगा। ग्रामीण रामनगर 26 और 27 अगस्त को, प्लाटून कोटाबाग 28 और 29 अगस्त को, प्लाटून भीमताल 30 अगस्त को, उसके बाद प्लाटून नैनीताल 1-2-3 एवं जोलीकोट 31 सितंबर 2019 को, और उसके बाद प्लाटून धारी यहाँ पर 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच। मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ पे जो प्लाटून आपका नैनीताल 1-2-3 और जोलीकोट लिखा हुआ है यह यहाँ पे शायद गलत हो गया है, यह 31 अगस्त 2019 होना चाहिए था। अब इसको आप कंफर्म करा लेंगे होमगार्ड आरटीओ ऑफिस में जाकर। इसमें जो प्लाटून नैनीताल 1-2-3 जोलीकोट 31 अगस्त होना चाहिए, प्लाटून धारी 2 और 3 सितंबर को, प्लाटून बेतालघाट 4 सितंबर 2019 को, महिला नंबर 2 ये 5 सितंबर 2019 को, और लिखित परीक्षा इसकी होगी 7 सितंबर 2019 को। यहाँ पे लिखा हुआ है भर्ती स्थल पर अभ्यर्थी को प्रातः 7 बजे पूर्व जिला प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड आरटीओ ऑफिस के बगल में दी न्यू ओरियम स्टार्स स्कूल प्रांगण कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में पहुंचना अनिवार्य होगा। मतलब सबकी जो आपकी भर्ती परीक्षा होगी वह कहाँ होगी, पूर्व जिला प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड आरटीओ ऑफिस के बगल में द न्यू ओरियम स्टार्स स्कूल प्रांगण कुसुमखेड़ा हल्द्वानी। परीक्षा स्थल में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में भर्ती कार्यक्रम में फेरबदल किया जा सकता है। यह विज्ञप्ति जिला कमांडेंट होमगार्ड नैनीताल स्थित हल्द्वानी के थ्रू आई। अब मैं आपको जो अगला होमगार्ड का अपडेट है वह दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब जो अगली हमारा जो अपडेट है वह होमगार्ड चंपावत से है। यह विज्ञप्ति भी आपके 18 अगस्त 2019 की है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त 2019 को चंपावत विकास खंड के लिए शारीरिक नापजोक शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। 22 अगस्त को बाराकोट ब्लॉक, 24 अगस्त को लोहाघाट, 25 अगस्त को पाटी, और इसके अलावा जितने भी आपके सभी समस्त आपके विकास खंड हैं, जो ब्लॉक हैं चंपावत, बाराकोट, लोहाघाट, पाटी, इन समस्त विकास खंड की जो लिखित परीक्षा है
वह 27 अगस्त 2019 को होगी, केवल उनके लिए जो शारीरिक दक्षता और चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हुए हैं। समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपर्युक्त तिथि तक प्रातः 7 बजे चयन प्रक्रिया हेतु गौरल चौड़ मैदान चंपावत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यह है जिला कमांडेंट होमगार्ड चंपावत के थ्रू आई विज्ञप्ति। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप यूटेट की तैयारी और होमगार्ड भर्ती की तैयारी बहुत मनोयोग के साथ, बहुत जोश के साथ कर रहे होंगे। आपकी सफलता तक आपके साथ गुरुजी उत्तराखंडी और टीम। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।